बीते कल अमृतसर से कटरा जा रही एक बस के गहरी खाई में गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि पंजाब के अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए जा रही श्रद्धालुओं की बस झज्जर कोटली इलाके में एक पुल से नीचे गिर गई। खाई करीब 50 फीट गहरी बताई जा रही है। एक शख्स ने इस हादसे का आंखों देखा हाल सुनाया। नमस्कार जी, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे दर्शकों का स्वागत है, मैं हूं रोहित महाजन। आज सुबह एक बड़ी ही दुखद खबर जो थी सबसे पहले आई थी, बस जो के पंजाब के फतेहगढ़ चूड़िया से माँ वैष्णो देवी दरबार के लिए निकली थी, और ये जो बस है लगभग कटरा पहुंचने से 3 किलोमीटर आगे झज्जर कोटली जो विलेज है वहां पर आती है। और इस तरीके से जो बस है, अभी तक फिलहाल जो बताया जा रहा है कि बस की जो ब्रेक फेल होने की वजह से, वो आप पहले सबसे पहले जो तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बस नीचे गिरती है, और लगभग अभी तक जो इसमें बताया गया है कि 10 के करीब जो है मौत जो हो चुकी हैं और बाकी जो लोग इसमें घायल हैं। तो सबसे पहले ये बस का आप देख सकते हैं कि जैसे ये जो पीछे सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये रोड जो है माँ वैष्णो देवी दरबार से कटरा से आगे ये रोड श्रीनगर की ओर जो जाता है, और ये जो झज्जर कोटली विलेज है ये रास्ते में पड़ता है। और बस अभी तक फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ड्राइवर बस की ब्रेक फेल होने की वजह से हो सकता है बस को यहाँ से आगे लेके आए हैं, और कुछ इस तरीके से वो जो सामने आप ट्रक देख रहे हैं वहाँ से ये बस क्रॉस करते हुए इस तरफ आती है, और यहाँ से ये आप टायर देख सकते हैं बस के, यहाँ पर ये खड़े हैं, और उसके बाद ये जो बस है वो जो नीचे जाके गिर जाती है। और उसमें अभी तक ये जो कैजुअलिटी हुई है, पंजाब के फतेहगढ़ चूड़िया से ये जो परिवार था माता वैष्णो देवी दरबार पहुंचना था इनको मुंडन जो थे करवाने थे बच्चे के, तो उसके लिए जो जा रहे थे माता वैष्णो देवी दरबार के लिए पंजाब के फतेहगढ़ चूड़िया के गांव से जो इनका परिवार था बाकी का, वो यूपी से इनके जो लोग वहां पर पहुंचे थे, ब्रिजमोहन जो नाम बताया जा रहा है जो इनके परिवार के सदस्य हैं, और ये रात को जब वहाँ से निकलते हैं तो किसी वजह से ब्रेक ना लगने की वजह से इससे कुछ ही किलोमीटर दूरी के ऊपर जो है माँ वैष्णो देवी दरबार के लिए कटरा के लिए जो रास्ता जो है वो निकलता है। तो बस यहाँ पर जब सुबह यहाँ पर गिरती है तो कैजुअलिटी जो है, लोग यहाँ पर जख्मी होते हैं, उनकी जो मौत होती है। फिलहाल प्रशासन व पुलिस प्रशासन की ओर से यहाँ पर जो है बचाव कार्य पूरी तरीके से जो जितना हो सकता था वो किया गया, और बस को निकालने के लिए जो प्रयास है वो किया जा रहा है। आला अधिकारी यहाँ पर मौके पर अभी भी मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या वजह रही होगी इस समय ये जो हादसा हुआ था, क्योंकि ये जो रास्ता है ये मेन हाईवे आगे श्रीनगर की ओर निकलता है, और ये जो बस की क्या वजह रही कि ब्रेक फेल होने का कारण था या कुछ और कारण की वजह से ये जो हादसा हुआ है, ये अभी आला अधिकारी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं। तो ये जो बस है सुबह यहाँ से इस ब्रिज से जब नीचे गिरती है तो क्या हालत उस समय पे रही होगी, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शूज़ हैं वो किस तरीके से गिरे हुए हैं, और हालात जो बस के बहुत ही बदतर है, क्योंकि ये जो बस है इस ब्रिज से जो नीचे गिरती है हाइट भी इसकी बहुत ज़्यादा है, और लगभग ये जो माँ वैष्णो देवी कटरा जब हम जाते हैं तो उस रास्ते से लगभग 2 से 3 किलोमीटर आगे आकर ये जो रास्ता है। फिलहाल अभी भी यहाँ पर बचाव कार्य जो जारी है, लोगों को हॉस्पिटल में तो पहुंचा दिया गया है, पर अभी भी जो उनका जो सामान है, फिलहाल यहाँ पर एक ये भी बात चली है कि अभी जो लोग यहाँ पर जो बता रहे थे कि एक जो अभी छोटा बच्चा है वो अभी मिसिंग है, उसके बारे में कुछ ज़्यादा जो पता नहीं चल रहा है। फिलहाल ये अभी आगे जांच का जो विषय रहेगा कि क्या हुआ है और कहाँ पर हो सकता है उसको किसी हॉस्पिटल में ले गए हों, और फिलहाल यहाँ की जो स्थिति है वो इस समय बहुत ही भयानक जो सड़की हादसा हुआ है और जिसमें लगभग 10 से ऊपर जो लोगों की जान चली गई है। माँ वैष्णो देवी दरबार के लिए जो लोग थे यहाँ पर पंजाब के फतेहगढ़ चूड़िया से ये जो लोग निकले थे, बच्चे के मुंडन थे जो होने थे उसके लिए यहाँ से निकले थे, तो कुछ लोग यहाँ पर जैसे वो उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि स्लीपर बस है, तो लोग सुबह का जो समय होता है तो उस समय स्लीपर बस में नॉर्मली जो सोए रहते हैं तो उनको पता भी नहीं चला कि आंख झपकते ही अगले पल में क्या होने वाला है। तो ये जो कुछ तस्वीर है बहुत ही भयानक है, ये जो हादसा देख रहे हैं यहाँ पर लोग रुक रहे हैं बहुत अभी फ़िलहाल, इसकी जो आगे की हॉस्पिटल में क्या वहाँ के हालात हैं, लोग जो घायल हैं उनको वहाँ पर जो आला अधिकारी हैं वो भी मौके पर अभी पहुँच के जो इसकी जांच है वो जो कर रहे हैं।
तो ये जो तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं, ये जो तस्वीर है बहुत ही दुखदायी तस्वीर है, क्योंकि यहाँ से लगभग ये जो बस है यहाँ से नीचे गिरती है। और हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो सुबह ये जो वाकया होता है उस समय ये अपनी गाड़ी से आ रहे थे, तो उनसे जाने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अश्विनी कुमार है। तो क्या हादसा हुआ जब आप सुबह आ रहे थे, क्या देखा? मैं उधर से जो सामने से गाड़ी लेके आ रहा था अर्ली मॉर्निंग सुबह, आई थिंक 6 बज रहे होंगे अप्रॉक्स, तो गाड़ी में देखता हूँ कि गाड़ी फुल स्पीड में आ रही थी, गाड़ी कंट्रोल से बाहर थी। अभी वो ड्राइवर के जहाँ ड्राइवर की आंख लगी होगी, जहाँ उसकी ब्रेक प्रॉब्लम थी, कुछ भी प्रॉब्लम थी, गाड़ी टकराई पहले फुटपाथ के साथ, जैसे टकराती है उसने गाड़ी वो ऊपर जितना भी राशन पड़ा हुआ था ऊपर, तो वहाँ जो राशन पड़ा हुआ है उस टाइम गाड़ी के ऊपर बांधा हुआ था, तो जैसे गाड़ी टकराती है उसके साथ, ड्राइवर की नींद में था तो उसकी अचानक आँख खुल जाती है, वो उसने गाड़ी पूरी काटी, तो उसके एक साइड से टायर उठ गए, जैसे उठे गाड़ी नियंत्रण से बाहर होगी, जैसे उठती है गाड़ी तो ऊपर से ऑन द स्पॉट 3 डेड बॉडी, बल्कि 3 आदमी नीचे गिर जाते हैं, इसमें एक बच्चा था, 2 लेडीज़ थे आई थिंक, तो वो सीधा नीचे गिर जाते हैं, तो बस कंट्रोल से बाहर सीधा फुटपाथ ऊपर से निकल कर सीधा इधर से टकराती है, तो उसका फ्रंट एक्सल टूट जाता है इधर ही, तो इसके कारण वो जंप खाकर नीचे गाड़ी सामने मेरे सामने नीचे चली जाती है गाड़ी। मैं फटाफट गाड़ी रोकता हूँ, और भी 3-4 कार वगैरह रुक गई थी, फिर ऑन द स्पॉट फिर इधर से किसी को पुलिस वालों को फ़ोन वगैरह करवाया, तो फिर जाके सभी लोग इकट्ठे हुए, फिर गिरने सवारियों को रेस्क्यू करवाया। लगभग कितने लोग उस समय जब रेस्क्यू चल रहा था आपने जो देखा होगा उस समय? मैं अकेला था, एक कार वाला था उधर, बस उस टाइम जब हमारे पास हमने जो कार वाला पीछे से बाद में आया था, मैं उधर सामने सामने उतराई मैं भी उतराई उतर रहा था, सामने सामने देख रहा हूँ कि बस जा रही है। कितने बजे की बात होगी? सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 अप्रॉक्स टाइम था, 6 AM। हाँ, 6 AM। ये बस कहने के मुताबिक आपके कि यहाँ से इस तरफ से आती है फुटपाथ से क्रॉस करते हुए, और कंट्रोल से बिल्कुल बाहर थी गाड़ी, वो बिल्कुल कंट्रोल से जहाँ तक उसने गाड़ी को न्यूट्रल में थी गाड़ी, जहाँ वो बिल्कुल नींद में था, तो इसलिए गाड़ी टकराई, अगर नींद में नहीं होता तो गाड़ी टकराती नहीं, अगर ब्रेक भी उसकी अगर फेल हो जाती फिर भी गाड़ी वो घुमा सकता था, अचानक अगर नींद में था तो इसलिए गाड़ी टकरा गई, जिसके कारण वो उसके एक साइड से टायर उठ गए, टायर उठने की वजह से गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई, ऊपर से ऑन द स्पॉट 3 डेड बॉडी, एक बच्चा गिर जाता है उसमें, और 2 लेडीज़ थी शायद, तो वो नीचे ऑन द स्पॉट उधर रोड पे जैसे वो गिरते हैं वो ऑन द स्पॉट ही उधर ही डेड, उसमें से एक लेडीज़ की सांस चल रही थी, तो बट फिर उसके बाद हमने एम्बुलेंस वाले को कॉल वगैरह करवाई थी, तो फिर एम्बुलेंस भी आ गई, पुलिस भी जब तक पहुँच गई पूरी, तो फिर उसको उनको रेस्क्यू करवा के उनको हॉस्पिटल में, तो उनका फिर बाद में क्या होगा वो इतना आइडिया नहीं। पुलिस प्रशासन और जो इनका हाईवे का जो टाइम पे पहुँच गए थे वो सर? हाँ, थोड़ा अप्रॉक्स 15-20 मिनट तो लग ही जाते किसी को भी आते रहे, इतनी जल्दी तो अचानक कोई ऑन द स्पॉट तो पहुँच ही नहीं पाएगा, तो इसलिए पहुँच गए थे, फिर गिरने सवारियों को रेस्क्यू करवाया। लगभग कितने लोग उस समय जब रेस्क्यू चल रहा था आपने जो देखा होगा उस समय? मैं अकेला था, एक कार वाला था उधर, बस उस टाइम जब हमारे पास हमने जो कार वाला पीछे से बाद में आया था, मैं उधर सामने सामने उतराई मैं भी उतराई उतर रहा था, सामने सामने देख रहा हूँ कि बस जा रही है। कितने बजे की बात होगी? सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 अप्रॉक्स टाइम था, 6 AM। हाँ, 6 AM। ये बस कहने के मुताबिक आपके कि यहाँ से इस तरफ से आती है फुटपाथ से क्रॉस करते हुए, और कंट्रोल से बिल्कुल बाहर थी गाड़ी, वो बिल्कुल कंट्रोल से जहाँ तक उसने गाड़ी को न्यूट्रल में थी गाड़ी, जहाँ वो बिल्कुल नींद में था, तो इसलिए गाड़ी टकराई, अगर नींद में नहीं होता तो गाड़ी टकराती नहीं, अगर ब्रेक भी उसकी अगर फेल हो जाती फिर भी गाड़ी वो घुमा सकता था, अचानक अगर नींद में था तो इसलिए गाड़ी टकरा गई, जिसके कारण वो उसके एक साइड से टायर उठ गए, टायर उठने की वजह से गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई, ऊपर से ऑन द स्पॉट 3 डेड बॉडी, एक बच्चा गिर जाता है उसमें, और 2 लेडीज़ थी शायद, तो वो नीचे ऑन द स्पॉट उधर रोड पे जैसे वो गिरते हैं वो ऑन द स्पॉट ही उधर ही डेड, उसमें से एक लेडीज़ की सांस चल रही थी, तो बट फिर उसके बाद हमने एम्बुलेंस वाले को कॉल वगैरह करवाई थी, तो फिर एम्बुलेंस भी आ गई, पुलिस भी जब तक पहुँच गई पूरी, तो फिर उसको उनको रेस्क्यू करवा के उनको हॉस्पिटल में, तो उनका फिर बाद में क्या होगा वो इतना आइडिया नहीं। पुलिस प्रशासन और जो इनका हाईवे का जो टाइम पे पहुँच गए थे वो सर? हाँ, थोड़ा अप्रॉक्स 15-20 मिनट तो लग ही जाते किसी को भी आते रहे, इतनी जल्दी तो अचानक कोई ऑन द स्पॉट तो पहुँच ही नहीं पाएगा, तो इसलिए पहुँच गए थे, फिर उन्होंने अपना पूरी टीम बुलाई, फिर उसके बाद रेस्क्यू करवाया सब चीज़ को। तो ये जो आपने जो हालात देखे कि किस तरीके के से उस समय के रहे होंगे, जैसे ही ये जो बस है ये नेशनल हाईवे जो माँ वैष्णो देवी दरबार के लिए निकलती है, जो फतेहगढ़ चूड़ियाँ गांव से निकलती है पंजाब के, और माँ वैष्णो देवी दरबार पर ये जो बस है ये इसको जाना था, पर रास्ते में किसी वजह से जो बस है कटरा के रास्ते से थोड़ा आगे आती है, और इस तरीके से फुटपाथ को क्रॉस करते हुए यहाँ से जो नीचे गिरती है, तो उसमें जो भयानक हादसा हुआ। मैं कुछ और बताना चाहूँगा,
मुझे क्योंकि मैं खुद ड्राइवर हूँ, मुझे खुद एक्सपीरियंस है कि उसके साथ क्या बीती, क्योंकि उसको आ रही थी सुबह सुबह, उसको नींद आ रही होगी, वो धीरे धीरे पीछे से आ रहा होगा, ऊपर तक उसने आराम से गाड़ी लाई होगी, उसके बाद जैसे गाड़ी की उतराई आती है, जगह जगह बोर्ड लगा, अगर उसको कटरा का नहीं पता था बोर्ड जगह जगह लगाते थे, अगर वो नींद में नहीं होता तो वो रास्ता बोर्ड देख सकता था, वो जा सकता कटरा के लिए, शायद वो इसी नींद में था तो उसको धीरे धीरे आती रही गाड़ी, जैसे उतराई उसकी, क्योंकि ये धीरे धीरे स्पीड पकड़ती है, जैसे जब इधर पास में आती है तो गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है, तो वो नींद में ये सिर्फ नीचे आ गया, जाओ कि कटरा वाला जो कट है वो भूल गया, इसलिए गाड़ी वो कंट्रोल से बाहर होने की वजह से इधर आके जो हादसा ये बयान इधर हुआ है। ये आपने जो तस्वीर देखी जो बहुत ही भयंकर तस्वीर है, फिलहाल इसमें जो 10 लोगों के करीब जो मौत हो चुकी है और 20 से ऊपर जो इसमें घायल बता रहे हैं, और ये जो फतेहगढ़ चूड़िया से माँ वैष्णो देवी दरबार के लिए आ रहे थे, इसमें जो भी आगे की अपडेट होगी आपके साथ हम साझा करेंगे। कैमरा पर्सन हरपाल सिंह के साथ रोहित महाजन, दैनिक सवेरा टीवी के लिए कटरा।